हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4G गेम के बारे में। जी हां दोस्तों, 4G गेम के 4 नए अपडेट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप उस 4 नए अपडेट के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड पर आपको एक घंटी का आइकन दिखेगा, उसको दबा के आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 4 नए अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 4G गेम इंडिया में लॉन्च हो चुका, तो काफ़ी लोगों ने इस गेम को पसंद भी किया। लेकिन अगर हम इस गेम में अगर सेटिंग वगैरह में देखते हैं तो इतनी एडवांस सेटिंग आपको नहीं मिलती है जितनी आपको सेटिंग 4G गेम में मिलती थी। और रही बात मैप की, तो आपको उतना अच्छा मैप भी नहीं दिया गया। मतलब एक ऐसे ही सिंपल सी गेम दी गई है जो कि गलवान घाटी के ऊपर बेस है, तो आप वहाँ पर जाके इस गेम को मतलब खेल सकते हो। सिंपल बेसिक सी गेम है। अगर हम बात करते हैं पबजी की तरह आपको इस तरह के अपडेट कैसे मिलेगी, जैसे कि बैटल रॉयल मैप के कैसे आप इस गेम में खेल पाओगे, तो दोस्तों मैं आपको 4 नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बड़े अपडेट की बात करते हैं, जहाँ पे गन को लेकर, क्या आपको इस गेम में गन वगैरह मिलेगी या नहीं। दोस्तों आपको इस गेम में आने वाले जो भी नया अपडेट आएगा उसमें आपको गन मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको काफ़ी नई नई गन मिलने वाली है। वो जो ये नहीं होगा कि आपको मतलब परमानेंटली गन मिलेगी, आपको एक लोकेशन दी जाएगी, वहाँ से जाके आप इस गन वगैरह पिक कर सकते हो। इस तरह का आपको अपडेट सामने देखने को मिलने वाला है। उसके बाद सबसे बड़े अपडेट की बात करते हैं कि हम इस गेम में मल्टीप्लेयर गेम मतलब कैसे खेल पाओगे, अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेल भी पाएंगे या नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही मतलब मुझे अब बड़ा अपडेट आने वाला है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेल पाओगे और उसी के साथ साथ आप इस गेम में आपको नए मैप भी देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नए मैप ओपन हो जाएंगे जो आप देख रहे हो जहाँ पर TDM वगैरह, वो गेम मैप भी ओपन हो जाएंगे, फिर आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल पाओगे। बहुत ही बहुत जल्द इसका भी अपडेट आने वाला है, अभी इसको लेकर काम चल रहा है, तो बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे आपको पबजी गेम में रॉयल पास देखने को मिलता था, आप रॉयल पास को खरीद के अपने जो भी गन वगैरह होती थी उनकी आपको स्किन मिलती थी, ड्रेस वगैरह मिलते थे और भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिवार्ड मिलते थे। तो दोस्तों उस तरह का भी आपको जहाँ पे पास देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे हो सकता है इसका नाम बैटल पास हो, कुछ इस तरह का नाम होने वाला है, तो इसका भी अपडेट आपको बहुत ही जल्द आने वाला है। कुछ ही मतलब समय में ये जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर एक दो हफ्ते में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। तो सबसे बड़े अपडेट की बात करते हैं कि जैसे आप पबजी में क्लासिक मैप खेलते थे, क्या वैसे आप इस गेम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको जरूर ये मैप देखने को मिलने वाला आने वाले समय में। जैसे आप पबजी गेम में क्लासिक मैप खेलते थे, काफ़ी मतलब आपको प्लेयर मिल जाते थे, 100 प्लेयर आपको मिल जाते थे रैंडम, किसी भी तरह के आपके साथ मतलब जुड़ जाते थे, फिर आप उनके साथ गेम को खेलते थे, उनके साथ फाइट वगैरह करते थे। कुछ इस तरह का भी अपडेट आपको बहुत ही जल्द इस गेम में देखने को मिलने वाला, जो कि आपको एक बड़ा सा मैप दिया जाएगा, फिर उसमें आप को जहाँ पे रैंडम प्लेयर आपके साथ जुड़ जाएंगे और फिर आप उनके साथ बातचीत करके, चैट वगैरह करके, वॉइस मतलब चैट करके आप उनके साथ गेम को खेल सकते हो। और आपको काफ़ी मतलब 100 या फिर 50 आदमी आपको मिलेंगे इस गेम में टारगेट के लिए। तो उसी हिसाब से जहाँ पे ये 4 बड़े अपडेट आने वाले हैं। और रही बात साइज़ की, तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अभी ये गेम 400-500 MB तक की होगी, लेकिन जैसे जैसे नए नए अपडेट आएंगे उसी के साथ साथ इसका जो साइज़ है वो भी बड़ा होता जाएगा। फिर आप अगर आप एक छोटे मोबाइल में इस 4G गेम को खेल रहे, तो वो फिर शायद आप आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लिए भी आपको, जैसे अगर आप पबजी गेम खेलते, पबजी गेम के लिए आपको एक अच्छा सा हैंडसेट चाहिए जो कि मतलब लैग वगैरह फिक्स कर दे। तो कुछ इस तरह का ही आपको 4G गेम में भी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। इसके लिए कम से कम आपको 1 GB की रैम, 2-3 GB की रैम चाहिए अगर आप इस गेम को अच्छे से खेलना चाहते हो, लैग वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत ही जल्द दोस्तों ये 4 जो बड़े अपडेट आने वाले हैं। रही पहला अपडेट, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको गन भी बहुत जल्दी मिलने वाली है, उसके बाद मल्टीप्लेयर के साथ आप इस गेम को खेल पाओगे और आपको जहाँ पे बैटल पास का अभी अपडेट मिलने वाला। और चौथा जो अपडेट है वो मैप, यानी कि क्लासिक मैप आपको बहुत ही जल्दी इस गेम में देखने को मिलने वाला है। तो बस यही दोस्तों इस 4 अपडेट के बारे में मैं आप सभी को जहाँ पे बताना चाहता था। काफ़ी मुझे मतलब कमेंट मिल रहे थे कि यार क्या हम इस गेम को मल्टीप्लेयर के साथ खेल पाएंगे या नहीं, इस तरह के मतलब मुझे कमेंट मिल रहे थे, तो सोचा कि मैंने आप सभी को इन 4 अपडेट के बारे में बता देता हूँ कि बहुत ही जल्द ये 4 अपडेट आने वाले हैं। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।